मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। अब बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं आपके साथ एक नए अध्याय के साथ आपके साथ पिछले कुछ वीडियो से हूं, है ना, तत्वों की आवृत्ति हूं। बच्चों, आज हम ले रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व, तो हम एस ब्लॉक के तत्व के बारे में जानेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, तो बच्चों आवर्त सारणी है ना, यहां पर बच्चों मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल में आधुनिक। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग वर्ग क्रमांक एक एवं वर्ग क्रमांक दो के तत्वों को सम्मिलित रूप से एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है, इनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाया जाता है। बच्चे बहुत अच्छे तरह से डेफिनेशन आपको समझ के रखनी है। बच्चों मैंने आपसे कहा कि एस ब्लॉक के तत्व हम किन्हें कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्रमांक एक एवं वर्ग क्रमांक दो के तत्वों को हम सम्मिलित रूप से ना क्या कहते हैं बच्चों, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनको एस ब्लॉक के तत्व कहने का एक बहुत साधारण सा कारण है, क्योंकि बच्चे इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो किस ऑर्बिटल में होता है, वो एस ऑर्बिटल में होता है। बच्चे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे, तो ध्यान दीजिए। अगर मैं उदाहरण लूं, मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक एक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एस ऑर्बिटल में है, इसका मतलब ये एक एस ब्लॉक का तत्व है। बच्चे इसी तरह से अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 1s2 और 2s1, तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल में, इसलिए ये भी एस ब्लॉक का तत्व है। बच्चे अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं 1s2 2s2, तो आप देख सकते हैं इसके अंतिम दो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, इसलिए ये भी एस ब्लॉक का तत्व है। बच्चे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मैं कॉन्फिगरेशन करूं 1s2 2s2 2p6 3s2, तो बच्चे इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी एस ऑर्बिटल में है। तो बच्चे इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पहले जो दो कॉन्फिगरेशन मैंने रखे ये दोनों ही फर्स्ट ए वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, इसीलिए इनके अंतिम एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, जबकि ये अंतिम के दो जो मैंने कॉन्फिगरेशन रखे ये सेकेंड वर्ग के हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंतिम जो दो इलेक्ट्रॉन है वो भी एस ऑर्बिटल में है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी वो परफेक्ट होती है। जो आगे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे आप लोग, एस ब्लॉक के तत्व के आपको गुण बताने जा रहा हूं, एस ब्लॉक के तत्वों के गुण। बच्चों सबसे पहला गुण देखिए कि जो एस ब्लॉक के तत्व है ना इनके संयोजी कोष का सूत्र बता रहा हूं आपको, इनके संयोजी कोष का सूत्र। तो बच्चों एस ब्लॉक के तत्व के संयोजी कोष का सूत्र होता है NS1 to 2, है ना, एक से दो। यहां पे अपन जहां एन की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो एक से प्रारंभ होगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार, पांच, छह और सात, ये इनका कोई भी मान हो सकता है, ठीक है, तो ये इनके संयोजी कोष का सूत्र है 1 और 2। दूसरा महत्वपूर्ण हम बात करेंगे बच्चे इनकी ऑक्सीकरण संख्या की, ऑक्सीकरण संख्या।
और प्लस टू होता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए बच्चों, एस ब्लॉक के तत्व के जो अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन, या मैं ऐसा कह दूं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां पर होते हैं? वो एस ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण चीज, ये हेलोजन से क्या करते हैं? क्रिया। ये हेलोजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं? ये हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। बच्चों इस तरह से मैंने आपको क्या किया, एस ब्लॉक के तत्वों के गुण बताए। बच्चों आगे चलूंगा और जल्दी से मैं आपको पी ब्लॉक के तत्व के संदर्भ में भी जानकारी दूंगा। बच्चों हम बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्व बच्चों डेफिनेशन वही है, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्रमांक 13 से वर्ग क्रमांक 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग क्रमांक 13 से वर्ग क्रमांक 18 तक के तत्वों को हमने क्या कहा है? हमने पी ब्लॉक के तत्व कहा है। बच्चे इनके संयोजी कोष का सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, पी ब्लॉक के तत्व के संयोजी कोष का सूत्र। पी ब्लॉक के तत्वों का संयोजी कोष का सूत्र, तो बच्चों वो होता है NH2NP126। अच्छा ध्यान दीजिए, NH2NP6 जहां पे N की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे बच्चों, N की जो वैल्यू होगी ठीक है वो स्टार्ट हो जाएगी 2, 3 ठीक है 4, 5, 6, 7 तक, यानी वो 2 से स्टार्ट हो जाएगी और कहां तक जाएगी? 7 तक होगी। बच्चों इस तरह से हमने पी ब्लॉक के तत्व भी आपके सामने रखे। बच्चों मैं पी ब्लॉक के तत्व के आपको गुण भी बता देता हूं, पी ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों से पहले मैं आपको जल्दी से डी ब्लॉक के तत्वों का डेफिनेशन भी ले लेता हूं, फिर दोनों के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा डी ब्लॉक के तत्वों को और ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों को इनके विशेष गुण के कारण ही संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इस तरह से मैंने आपको डी ब्लॉक के तत्व भी बताया। बच्चों आज की क्लास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।